हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हैं एडी एजुकेशन। आज हम जो इन्फॉर्मेशन जो नॉलेज शेयर करने वाले हैं वो हम सभी की ज़िंदगी में बहुत मायने रखती है, क्योंकि ये जो बात हम आज करने वाले हैं वो है व्यक्तित्व के बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में, व्यक्तित्व विकास के बारे में। आप सभी ये जानते हैं, कहीं ना कहीं आपने कई चीज़ें इनके बारे में पढ़ी होंगी, कोशिश भी की होगी इनको अप्लाई करने की। कुछ लोग सफल होते हैं, कुछ लोग नहीं, पर आप ये ना सोचें कि जब भी आप ऐसी चीज़ें देखते हैं तो ये हमने देखा है, सुना है। हर विचार, हर सोच एक नई सोच होती है और कभी भी किसी भी समय आपका जीवन बदल सकती है, आपकी लाइफ में परिवर्तन ला सकती है, चेंज ला सकती है। तो उसी सोच के साथ हर मोटिवेशनल वीडियो को, हर चीज़ को जो आपको सुधार की दिशा में ले जाता है, देखें। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में, एक व्यक्तित्व विकास के बारे में। दोस्तों, व्यक्तित्व विकास की अगर हम बात करें तो अक्सर लोगों के मन में ये आता है कि हम क्या पहनते हैं, किस तरह से लोगों से बात करते हैं और एक हमारी ओवरऑल बाहरी आवरण कैसा है, हम बाहर से कैसे लोगों को इम्प्रेस कर पाते हैं, इसी को पर्सनैलिटी बोलते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बोलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सोच बहुत छोटी है, इसको लेकर हम चाहें तो बदल सकते हैं। केवल इतने तक ही ये सीमित नहीं है कि आप कितना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या पहनते हैं। पर्सनैलिटी आजकल एक ओवरऑल चीज़ हो गई है जो कि ना केवल आपकी बाहरी चीज़ों से जुड़ी हुई है, बल्कि अंदर आप कितने चीज़ों को रखते हैं, क्या आपके विचार हैं, क्या आपका नज़रिया है, इस पर निर्भर करती है। आज हम कुछ ऐसे पॉइंट के बारे में जानेंगे, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, जो आपको बहुत मदद करेंगे आपको एक बेहतर व्यक्तित्व बनाने में और दूसरों के सामने और अपने आप की नज़रों में बेहतर बनने में और आगे बढ़ने में। तो सबसे पहला जो बात है, सबसे पहला पॉइंट है वो है बी कॉन्फिडेंट, अपने ऊपर विश्वास रखना सीखें। जीवन में ये बात सब जानते हैं कि हमें विश्वास रखना, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाते। ऐसा कारण ये है कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस कहना तो आसान है लेकिन करना मुश्किल है। जी हाँ, मुश्किल है, तभी तो लोग इतना मेहनत करते हैं इसके ऊपर, लेकिन इसको किया जा सकता है। अब आप जानना चाहेंगे वो तरीका। देखिए, तरीका यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हम दवाई है कोई, हम जिसे खा लें और वो हमारे अंदर आ जाए, या कोई हमें कोई पॉइंट ऐसे हैं जिसको हम किताब पढ़ दें और हमको आ जाए। देखिए, ये एक सोच होती है जो हम सीखते हैं। अब जिस तरह से दिमाग हम शरीर को खाना देते हैं, उसी तरह से हमारा दिमाग को हम किस तरह का विचार रूपी खाना दे रहे हैं, यानी कि कैसे सोच दे रहे हैं, कैसे विचार दे रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वही इस चीज़ को पता है कि हम कितने कॉन्फिडेंट रहेंगे, कितना विश्वास हमारे अंदर खुद पर होगा। तो इसके लिए सबसे साधन, छोटे छोटे साधन हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऐसी कहानियाँ पढ़िए, ऐसी विचार पढ़िए, ऐसे वीडियोस देखिए, ऐसी चीज़ों से जुड़िए जो आपके अंदर पॉजिटिव चीज़ों को पहुँचाते हों, आपके दिमाग को वो विचारों का पॉजिटिव खाना देते हों, जिससे आपका दिमाग बेहतर तरीके से ग्रो करे। तभी आपके अंदर एक मजबूत सोच बनेगी। ये एक दो दिन की बात नहीं है, इसको आप लगातार करें और ये होगा। आप विश्वास रखें, आप एक कॉन्फिडेंट इंसान ज़रूर बनेंगे। सबसे पहली चीज़ अगर ये आया हो, उसके बाद सारी स्टेप शुरू होती हैं। तो अपने ऊपर विश्वास रखना सीखें, सबसे पहली चीज़ यही है। दूसरी पॉइंट की मैं बात करूं तो अपना दिमाग हमेशा खुला रखें, अपने एक ओपन माइंडेड इंसान बने। ओपन माइंडेड होने का मतलब ये है कि हर चीज़ को सीखना और समझना स्वीकार करें। हम अक्सर बड़े नेगेटिव होते हैं चीज़ों को सीखने में, स्वीकार करने में। जब हमें कोई कोई चीज़ बताता है तो हमारा ईगो, हमारा स्वाभिमान कई बार सीखने में, हमारा अभिमान माफ़ कीजिएगा, सीखने में इतना मुश्किल पैदा करता है कि हम दूसरे से सीखना नहीं चाहते। हर किसी को सुने, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, उसके विचारों को सुने ज़रूर खुले दिमाग से। जब वो आप विचार आपके पास आएंगे तो उनमें से अच्छा बुरा लेना आपका निर्णय होता है। आप उसे कभी भी ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो सुनने से कभी ना घबराएं, अपने दिमाग को खुला रखें, हर विचार के लिए, हर सोच के लिए पॉजिटिव रहें। दूसरा ये था मुख्य कारण। उसके बाद तीसरी बात करूं कि शारीरिक भाषा में आपकी सुधार करें। अब इसका मतलब यह है कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, यू शुड हैव अ परफेक्ट बॉडी लैंग्वेज। देखिए, परफेक्ट तो जैसी कोई चीज़ नहीं है। बॉडी लैंग्वेज का मतलब है कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कैसे उठना है, कैसे बात करना है। ये तो एक साधारण चीज़ है, लेकिन हम अपने नज़रिए से दूसरों को किस तरह से प्रभावित करते हैं, यानी कि जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो उससे आँख मिलाकर बात कर सकें, सर उठाकर बात कर सकें, स्ट्रिक्ट होकर बैठ सकें उसके सामने, किसी भी व्यक्ति के सामने घबराएं नहीं। तो ये हमें एक
ताकत देता है और यही होती है बॉडी लैंग्वेज। इसको साधारण शब्दों में ही समझे, आपने कई लोगों को ऐसा बैठते उठते दिखा होगा जिनका नजरिया आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सीधे बैठते हैं और उनकी आंखों में एक बात होती है, वो आपसे सीधा बात करते हैं, उनके शब्द बिल्कुल साफ साफ निकल कर आते हैं जो आपके कानों में पहुंचते हैं और असर डालते हैं। तो ऐसे साफ और क्लियर इंसान बनिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज को स्ट्रांग बनाइए, मजबूत बनाइए। आगे बढ़ें तो चौथे पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, अपने अंदर एक सकारात्मक सोच को जागृत करें, एक बी पॉजिटिव फ्रॉम इनसाइड। देखिए बाहरी, मैंने आपको बहुत बात की कि बाहरी तो कई चीज़ें आपको मिल जाएंगी, चीज़ों से आप अपने आप को सजा सकते हैं, लेकिन अंदर हम कैसे हैं वही हमारा दूसरों के सामने प्रभाव डालता है। आप कुछ देर के लिए दूसरों को अपनी बाहरी आवरण से शायद इम्प्रेस कर लें, लेकिन असली प्रभाव तभी डाल पाएंगे जब आप अंदर से कोई ऐसी चीज़ रखते हो, पॉजिटिव इंसान हो, आप में कुछ बात हो, और वही विचार जब आप दूसरों तक पहुंचाएंगे तो वो असर डालेंगे और कहीं ना कहीं आपको आगे तक ले जाएंगे। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं तो नए लोगों से जुड़ना सीखिए। देखिए नेटवर्किंग, मीटिंग विद द न्यू पीपल, यानी कि नए लोगों से जुड़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज जो समय है, अगर हम नए लोगों से नहीं जुड़ेंगे, और ख़ासकर उन लोगों से जुड़िए जिनके पास कुछ बेहतर है आपको देने के लिए, कुछ पॉजिटिव बातें हैं, कुछ पॉजिटिव सोच है, कुछ नए विचार हैं, उनसे आप बात कीजिए। अगर आप अपना समय ऐसे लोगों के साथ व्यतीत करेंगे जिनके पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल बेकार की बातें हैं, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर दो सेंटेंस भी हम जिंदगी में किसी अच्छे व्यक्ति के साथ सीख पाते हैं तो उनके कहे हुए दो विचार भी, दो बातें भी आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकती हैं। तो ऐसे लोगों से ज़्यादातर बात कीजिए, उनसे जुड़िए, तो एक नया बदलाव आपकी ज़िंदगी में आएगा, ये मैं 100% कह सकता हूँ आपसे। अगले पॉइंट की हम बात करें तो एक अच्छा श्रोता बनिए, बी अ गुड लिसनर। देखिए सुनना एक ऐसी शक्ति है, सुनने से ज़्यादा बेहतर चीज़ कुछ नहीं हो सकती। हम अक्सर बेहतर चीज़ें सुनते हैं। आज आप ये बात सुन रहे हैं जो हम इतनी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, अगर आप इसको सुनने पर महत्व नहीं देंगे तो शायद ये चीज़ आपको इतनी फ़ायदा नहीं पहुंचा पाएगी। सुनना हमेशा सीखें, सुनना हमारा अधिकार है, सुनना हमारे लिए बहुत आसान है। जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं, उसको देखते हैं, समझते हैं, उसको लेना ना लेना हमारे पास हमेशा अधिकार है। आप सुने पहले, और उसको छोड़ना चाहते हैं छोड़ दीजिए, नहीं रखना चाहते नहीं रखिए, लेकिन अगर कुछ ऐसा है जो आपको बेहतर बना सकता है तो उसको सुनना सबसे पहले पड़ेगा। तो बी अ गुड लिसनर, सुनना हमेशा सीखें सबको। आगे बढ़ते हैं, रिमेन हैप्पी, सी बी हैप्पी, खुश रहें, अपने आप को हमेशा खुश रखने की कोशिश रहें। दुनिया में हर चीज़ खुशी देखने के, हर खुशी में खुशी को देखने का प्रयास करें, हर चीज़ में खुशी को देखने का प्रयास करें। देखिए हर चीज़ में दुख जुड़ा हुआ है, लेकिन उसमें कुछ अच्छाई भी हमेशा रहती है। तो हर चीज़ का एक खुशी देखने की कोशिश करें, चाहे वो बच्चे की मुस्कान में हो या छोटी छोटी चीज़ों में हो। छोटी छोटी खुशियाँ लेकर ही आप ज़िंदगी में पॉजिटिव बन सकते हैं। बड़ी के इंतज़ार में बैठे रहेंगे, मुस्कुराना भूल जाएंगे, तो कभी भी ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। तो हमेशा खुश रहें, ये एक नियम बना लें। उसके बाद हम बात करें, पोलाइट रहें, विनम्र रहें। जब तक आप पोलाइट नहीं होंगे, पोलाइट होकर झुककर सीखना नहीं चाहेंगे, लोगों से बात नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप वो बेहतर इंसान नहीं बन पाएंगे। आपने एक पुरानी कहावत सुनी होगी, जो वृक्ष जितना ज़्यादा फलों से लदा रहता है वो नम्र होता है। यानी कि एक तरह से हम जितने गुणवान होते जाते हैं उतना नम्र होते जाते हैं, विनम्र होते जाते हैं, और विनम्र होकर ही हम गुणवान बन सकते हैं, मैं कहता हूँ। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इन दोनों ही पॉइंट्स को आप याद रखें, पोलाइट रहें, विनम्र रहें। अगला पॉइंट है, ईमानदार रहें, लॉयल रहें। कभी भी देखिए अपने आप से धोखा मत कीजिए, अपने आप से झूठ मत बोलिए, दूसरों के साथ, अपने काम के साथ में ईमानदार रहिए, क्योंकि जब आप ईमानदार रहेंगे अपने साथ में तो कभी दूसरों के साथ गलत नहीं करेंगे, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्ते में, अपने हर चीज़ में, ज़िंदगी में। अपने काम के प्रति वफादार रहेंगे, लॉयल रहेंगे, तो हर चीज़ आपकी पॉजिटिव होगी। जब जो काम करना है उस चीज़ को पूरी ईमानदारी से करें, उसमें धोखा ना दें अपने आप को और दूसरों को, तो ज़िंदगी में आप बहुत आगे जाएंगे। बी लॉयल, बी ऑनेस्ट। लास्ट पॉइंट जो है कि मुश्किल परिस्थितियों में हमेशा काम रहें, यानी कि अपने आप को शांत रखना सीखें, क्योंकि जब तक शांत होने का स्वभाव, ताकत आपके अंदर नहीं होगी, आप अक्सर घबरा जाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी आसान नहीं है। हर चीज़, चाहे छोटी सी मुश्किल ही क्यों ना हो, अगर हम खाना भी खाते हैं तो हमें अपने हाथ को अपने मुंह तक ले जाना पड़ेगा। ये भी एक मेहनत है, ये भी एक तरीका है,
और हर चीज में कहीं ना कहीं कोई स्ट्रेस है, कोई प्रॉब्लम है, लेकिन शांत दिमाग हर चीज का रास्ता खोज लेता है। तो पीसफुल रहे माइंड से, दिल से, दिमाग से। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको जीता नहीं जा सकता, हल नहीं किया जा सकता, केवल आपको शांत रहने की जरूरत है। तो स्टे काम, अपने आप को शांत रखें। तो ये थे कुछ ऐसे 10 पॉइंट जो मैंने आपको बताए। आई होप ये ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत फायदा देंगी। आप गहराई से इनके बारे में सोचिए, समझिए और अपनाइए। यही मेरी कोशिश है इस वीडियो के जरिए। तो अगर आपको ये पसंद आई हो तो आप इसको जरूर लाइक कीजिएगा और हर किसी के साथ शेयर कीजिए ऐसी पॉजिटिव चीज़ों को, और सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को जरूर दबाइए इसी तरह की और अपडेट्स के लिए। थैंक यू वेरी मच।